का स्वागत है। जयपुर हेरिटेज निगम के कांग्रेस और समर्थित पार्षदों के धरने के मसले पर जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने पार्षदों की मांग का समर्थन किया। पीसीसी में मीडिया से बातचीत में कहा कि हम सभी चाहते हैं कि जल्द कमेटियां बने, वहीं कांग्रेस के टिकट पर जीते और समर्थित पार्षदों को संतुलित प्रतिनिधित्व मिले। मैं भी उनसे मिला, हमने उनको विश्वास दिलाया और कोई हमने उनसे भी कहा कि वो कोई ऐसा वो फॉर्मूला बताएं जिसमें सबकी सहमति हो। हम लोग भी फॉर्मूला निकालने की प्रयास में हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे साथ में एक तो मर्यादा ये है हमारी कि जिन निर्दलीय पार्षदों ने हमें समर्थन देकर हमारा मेयर जितवाया, उन सबको भी हमको अकोमोडेट करना है। साथ ही पार्टी के जो जीते हुए पार्षद हैं उनमें भी किसी प्रकार से कोई ये कहना चाहिए कि मन में कोई उनके ऐसा भाव नहीं आवे कि प्रतिनिधित्व देने में उनके साथ में कहीं अनदेखी हुई है। हेरिटेज नगर निगम में समितियों के गठन को लेकर चल रही रार मंत्री और विधायक के दखल के बाद भी नहीं सुलझ पाई। हेरिटेज नगर निगम मुख्यालय में पिछले चार दिनों में धरने पर बैठे कांग्रेसी और निर्दलीय पार्षदों के बीच मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और विधायक अमीन कागजी पहुंचे। इस दौरान धरना स्थल पर दोनों पार्षदों के साथ चर्चा की। देखिए, हमारे पार्षद हैं, इनका हक है धरना देना, बैठना, नाराजगी व्यक्त करना। एक परिवार में और नाराजगी पार्षदों की वाजिब है। कमेटियां बहुत लेट हो गई, लेट ना तो अमीन भाई ने लेट की, ना रफीक भाई ने, ना महेश जी ने। कई बार डेस्टिनी भी हो जाती है बीच में। तो मैं हमेशा कहता हूँ और मेरी आदत है, मैं झूठ नहीं बोलता, कुछ चला के नहीं रोकी है परिस्थितियाँ, कभी कोरोना कभी क्या, तो यही चलता रहा ऐसे ही। तो अब वो कमेटियाँ ये कोशिश कर रहे हैं कि विद इन वीक बना के पूरी तैयारी कर दें, क्योंकि अमीन भाई ने कहा कि एक वीक तो लग जाएगा। नहीं, वैसे नहीं रहेगा, क्योंकि प्रस्ताव तो हम आज सुबह शाम में ही भेज देंगे। मंत्री जी यहाँ नहीं हैं, फिर सैटरडे संडे की छुट्टी भी है परसों, कल मंत्री जी कोटा हैं, तो आज हम कोशिश कर रहे हैं सब जने बैठ के एक प्रस्ताव बना के, और सहमति हम आपस में बन चुकी है मोर और लेस, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और ये परिवार के लोग हैं, इसमें ये बात ज़रूर है कि हमको पहले ये इनिशिएट कर लेना चाहिए था और करा भी है, लेकिन आप जैसा समझते हैं राजस्थान में हमेशा से कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उसको लेकर भी ये चीज़ें वक्तन फवक्तन लेट हुई हैं। तो आज पहली बार कांग्रेस के पार्षद निर्दलीय पार्षदों के साथ में मिलकर धरने पर बैठे हैं, क्योंकि पार्षदों के अधिकार की लड़ाई है, पार्षदों के अधिकारों का हनन हो रहा है। आज दो साल का कार्यकाल बीत गया और हमें अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि ग्रेटर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की है, वहाँ समय रहते कमेटियाँ बन गई, यहाँ सरकार हमारी, मेयर हमारी, पार्षद हमारे, हमारा वोट, और यहाँ दो साल का वक्फा बीत गया और कोई कमेटियाँ नहीं बनी, कोई कार्यों का विभाजन नहीं किया गया।